शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मम्मी मम्मी, भैया ने मेरे सारे खिलौने जला दिए। जला दूंगा, सारे खिलौने जला दूंगा। कितनी बार कहे आपने, मनुष्य शक्ल मत लेकर आया कर मेरे सामने, फिर आ जाती है। अरे आज तक एक बच्चा तक दे नहीं भाई तू हमें। तो ठीक है, अगर आप लोग उधर नहीं जाओगे ना तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे और ना आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा। हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत है। पंडित जी, जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ। कुंडली सुंदर सी। अरे तुम काहे परेशान हो रही? अब आपकी कुंडली भला क्या देखना, आपके ग्रह नक्षत्र तो सब ठीक जगह पे ही होंगे। सब इनकी वजह से। अरे और फिर भी देख दीजिए। ठीक है, आप कहती हैं तो देख लेता हूं। गिन रहे हैं। अरे का हो गया पंडित जी, इतना चिंता में आप लग रहे हैं जैसे माघ मेला लुट गया है। का है कुंडली में? का है का? तब से गिने जा रहे हैं, बताएंगे? अब क्या बताएं? आपकी कुंडली में शनि गलत जगह पे आके बैठ गया है। आपके जीवन में बुरा दौर शुरू होने वाला है। आपके हाथ से चीजें ऐसी फिसलती रहेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कह रहे हैं पंडित जी, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक से देखिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर हमें पता था कि ये तुम्हारा घर है तो हम क्यों आते इधर? एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, इस बंदरिया से हमारी पहले लड़ाई हुई थी। बंदरिया? पहली बात कि हम बंदरिया नहीं है, और दूसरी बात तुम बहुत बुरे बच्चों और एक चोर भी है? क्या हम चोर? हमारे घर में आके हमें बुरा कह रही हो? गलत बात। जैसे चंदन जंगल में हो या घर में, हर जगह खुशबू फैलाता है। हर जो बुरा होता है, चाहे घर में हो चाहे बाजार में, हर जगह बुराई है तो फैलाएगा। और क्या? रुक जा, बहुत टाटा कर रही है। गुड़ खाओ, मुझे कुछ तो मीठा निकलेगा। अरे अपनी माँ के बेटे हैं हम। चंद्रा नाम है उनका, लेकिन आग वो सूरज वाली रखती हैं, और उनकी थोड़ी सी आग में भी है। अब देखना हम तुम्हें कैसे जलाते हैं। आप तो जानती हैं कि मैं कभी गलत नहीं कहता। आपके जीवन में बुरा वक्त आने वाला है और बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। अरे अरे भांजे, बेटा नहीं। रुक जा बनरिया, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक। अरे नहीं, झगड़ा नहीं बेटा, चोट लग जाएगा तो। अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं। आधा गोरखपुर हमको पटक के फैला है, तुम लोग काहे मार रहे हो हमको? कि जो भी वक्त है उसका कोई उपाय होगा।
उपाय तो हम आपको तब बताएंगे जब हमारी समझ में आएगा कि किस रूप में वो समस्या आपके जीवन में आ रही है और कब आ रही है। अभी यही समझ में बात आ रही है कि जब वो वक्त आएगा तो आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाएगी और आप ये सोच भी नहीं पाएंगे कि समस्या से कैसे निपटा जाए। ये क्या बवाल हो रहा है? अब दीदी इस बोलने वाली गुड़िया की बोलती बंद करने वाली है। अब आएगा मजा। पहले तो सिर्फ मुझसे पिटने वाली थी, अब तो माँ ना छोड़ेगी इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इस पोछे का गंदा पानी हमारे मुंह पे फेंका? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो ये सब उसने किया। हम तो बस उसे बचकर भाग रहे थे, हमने कुछ नहीं किया। वैसे अगर आपको गलत लगा तो हम आपसे माफी मांगते। ये लो गुड़ खाओ, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तेरा नाटक फिर से शुरू? अबे मारेंगे लात, उठ चल उठ। भैया 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 भाभी भाभी चल रहा है इसका। भाभी क्या हुआ आपको? उठिए, कोई पानी लाओ प्लीज। भाभी भाभी फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, बता रहे हैं हम। शांत रहो यार। नाटक उस बच्ची को तो हम छोड़ेंगे नहीं, पोछे का पानी हम पर डाला। बीना भाभी ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है बीना, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, बीना माँ बनने वाली है। अरे वाह, अभी माँ बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है? भैया आपने सुना, आप बाप बनने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, 7 साल के बाद एक खुशखबरी मिली है हमें। ए, माँ बनने वाली है तू,
ध्यान रखियो अपना। गजब कर दिया यार, गजब हमारा सुधीर यार, इधर आओ सबका प्यार भाई, बहुत पावर कमाल कर दिया यार। किसी की नजर ना लग जाए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। 7 सालों के बाद हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी। सच में आज किसी के शुभ कदम इस घर में पड़े हैं। हमेशा खुश रहो। अब आपको इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। हम रखेंगे, हम रखेंगे ना, हम रखेंगे। वैसे तो सब ठीक है, पर इनमें थोड़ी सी कमजोरी है, इसीलिए इनके खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना होगा। हम कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहे हैं, आप मंगवा दीजिए। डॉक्टर साहब जाओ, मिठाई विठाई खिलाओ डॉक्टर साहिबा को, जाओ जाओ। अरे आइए आइए, बहुत ही बढ़िया मिठाई खिलाते हैं आपको, आइए। और हाँ, तू आराम कर, आइए आइए। नमस्ते। ने वसीयत की थी कि उनकी सारी जायदाद इस घर की अगली पीढ़ी को मिलेगी, और अगर ये बीना माँ बन गई तो इसके बच्चे हमारे बच्चों के हिस्से में से अपना हिस्सा मांगेंगे। नहीं, ये सही नहीं हुआ। अगर ये भगवान की मर्जी है ना, तो अब चंद्रा के आगे भगवान को भी अपनी मर्जी बदलनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, बिना मां बनने वाली है। ये हुआ कैसे? इतना सब कुछ करने के बाद बिना मां कैसे बन सकती? ये सब का है? वो का है ना भाभी, हमने अभी से खिलौने लेने शुरू कर दिए। तबीयत तो ठीक है ना? दवाई? तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक है। वो का है ना भाभी कि हमें ये दवाई डॉक्टर ने दी है, और बोले हैं कि इसको खाएंगे तो बहुत जल्दी माँ बन जाएंगे। तो शादी हुई है तुम्हारी कुछ ही महीनों पहले, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा ध्यान दो अपने पति पर, अपने घर की गृहस्थी पर। बच्चा बच्चा हो गया ना, तो सब ये घूमना फिरना बंद हो जाएगा। यार लल्ला लेके बैठे रहना। वो कहा है ना भाभी के, इनको बच्चे बहुत पसंद है, और ये चाहते हैं कि हम जल्दी से माँ बन जाए, और फिर हम भी यही चाहते हैं। अब दोनों की चाह एक है, तो हम क्या कर सकते हैं? दवाइयां टाइम पे लो, और जल्दी से हवेली को खुशखबरी दो।
हम भी देखते हैं कि तुम अब कैसे माँ बनती हो। इस घर में सिर्फ हमारे बच्चे खेलेंगे और उन्हीं का राज होगा। केशव बाबू को तो हम पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी। समझ में नहीं आ रहा ऐसे हो कैसे गया। आपके जीवन में बुरा दौर शुरू होने वाला है। सिर्फ हमारे खेलने के लिए बोलने वाली गुड़िया थी और हमें तुम्हारे जैसी गुड़िया नहीं चाहिए, तो निकलो हमारे घर से। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी इस हवेली में आने का। वो तो तुम्हारे मामा ने बोला था कि तुम कितने भोले हो, तुम्हारे मुंह से तो आवाज भी नहीं निकलती, सब उल्टा निकला। तुम बहुत बुरे बच्चे हो। ज्यादा मत बोलो, समझे? निकलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। और हाँ, अपने मामा को बोल देना हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। हाँ मत आना। और हाँ, हम उनके पैसे भी लौटा देंगे। जा रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे यहाँ पर कभी भी। मत आना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम किस मुश्किल में पड़ गए? बाबा के इलाज के लिए वो पैसे जरूर मांगेंगे और अगर हवेली गए तो बदमाश बच्चा फिर से मुझे सताएगा। आप ही बताइए हम क्या करें? और ऐसे किसी के पैसे रखना अच्छी बात थोड़ी होती है। अब आप ही कोई जादू करके हमें बचा सकते हो। मम्मी के पास कहाँ से आ रही है? तुम रो क्यों रही हो? मैं एग्जाम में फेल हो गई हूँ। अगर मेरी मम्मी को पता चला वो डांटेंगी। क्यों? तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी? मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरी टीचर मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझे बहुत डांटती है, मुझे पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। तुमने कभी एकलव्य की कहानी सुनी है? नहीं। पता है, उसने अपने गुरु को अपना अंगूठा काट के दे दिया था, गुरु दक्षिणा में। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके मन में अपने गुरु के लिए सम्मान था, जिसकी निष्ठा का दे मिसाल नाम है उसका एकलव्य। जो देखे बिना अपने गुरु की मूर्ति बनाए, नाम है उसका एकलव्य। जिसकी धनुर्विद्या है सबसे कमाल, नाम है उसका एकलव्य। जो गुरु प्रेम में अपनी उंगली गवाए, शिष्य है ऐसा एकलव्य। एकलव्य ने अपने गुरु से बिना कुछ पढ़े सब कुछ सीखा। तो सोचो तुम, अगर तुम दिल लगा के शांति से अपने गुरु का सम्मान करोगी तो उनके आशीर्वाद से कितना कुछ सीख सकती हो तुम। जाओ और अपनी माँ से जाकर माफी मांगो और देखना अगले साल तुम जरूर पास हो जाओ। और हाँ, एक बात और, मुसीबतों से कभी भागना मत, बल्कि उनका डटकर सामना करना और अपने रास्ते खुद बनाना। अरे वाह दीदी, आप सही कह रहे हो, मुझे डर से भागना नहीं चाहिए। देखना हम अगले साल बहुत मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे। अब जाओ और जाकर मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू। माताजी, आप मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना कि हमें मुसीबतों से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।
अब बताइए, अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि शादी के इतने सालों के बाद अचानक बिना भाभी माँ बनने वाली है? नहीं, हम सबने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ना भाभी। पता है, सबसे ज्यादा खुशी शरद भैया के चेहरे पे थी, बहुत खुश थे वो। हाँ, अब औलाद आएगी तो पापा जी के वसीयत का हिस्सा भी तो उनके बच्चों का होगा ना, वही हिस्सा जो अभी सिर्फ आपके बच्चों का है। एक काल कम सूझ है तुम्हारा, मुंह खोलो तो अच्छी बात करो वरना मत करो। भाभी, भाभी आपने हमेशा हमारे अच्छे के लिए प्रार्थना की है और शायद इसीलिए भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। आप अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अच्छा ये बताओ, वो डॉक्टर की दवाइयाँ तुम अभी भी ले रही हो ना? हाँ भाभी, इतने सालों से तो हम रोज ही दवाई ले रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमारी अब सुनी है। झूठ बोलोगी तुम हमसे? झूठ बोलोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम झूठ बोलने लगी है? हमने जो गोलियां दी थी ना तुमको, तुम कभी मां नहीं बन सकती थी। तो फिर ये हुआ कैसे? तुमने वो गोलियां खानी बंद कर दी ना? नहीं भाभी, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, तुम्हारी खुशियों के सपने देखने लगे। बहुत खुश है हम तुम्हारे लिए, जाओ जाके आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आखिर हुआ कैसे? आखिरकार भगवान ने बिना भाभी के सुने ली। अब देखिए ना, दिन भर पूजा पाठ में जो लगी रहती, भगवान सुनेगा तो सिर्फ हमारी और किसी की नहीं। आपको क्या लगता है, आप देवी पूजन रखवाएंगी और हमें पता नहीं चलेगा? कोई पूजन नहीं होगा। तू आसमान से उतरी है या फेंकी गई है? देवी माँ दिखाई दे रही है सबकी आंखों में। अब देखते हैं कि भक्ति की शक्ति नीचे कैसे आती है। माता जी बचा लीजिए। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।